गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल में। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, एक्चुअली मानसी नूर है, नूर मानसी की गोदी में सो रही है, कबीर मेरी गोदी में सो रहा है बहुत अच्छे से। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं एंड वी आर ऑन आर वे टू द एयरपोर्ट, क्योंकि मेरे ख्याल से मानसी ने लास्ट व्लॉग में बताया था कि नूर की थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। हमने प्लान बनाया हुआ था बाहर जाने का, तो डॉक्टर से हमने सुबह कंसल्ट किया और डॉक्टर ने हमें गो अहेड दे दिया कि हाँ, नूर की तबीयत जो है वो रिकवरी मोड में है, ठीक हो रही है, आप लोग जा सकते हो। और इसीलिए हमने सारा अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और फटाफट नई बुकिंग कराई और उसके बाद हम लोग निकल चले हैं। मतलब सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ है कि मतलब हमें लास्ट मिनट भी हमारी पैकिंग चल रही थी और हम लोग बस घर से निकल गए हैं किसी तरह। नानी ने हेल्प कराई, नानी की वजह से पूरी पैकिंग वैकिंग हो पाई टाइम पे और बच्चों को भी ध्यान रखा नानी ने। हम कहाँ जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, क्या है, सब कुछ बताएंगे, बट आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना, क्योंकि मतलब ये ट्रैवल बहुत ही किस्मत से हो पा रहा है और सारा जो है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो हमारे एयरपोर्ट में जल्दी आने के मज़े ऐसे हैं कि भाई कबीर यहाँ पे चिल करके अपनी वर्जिन मोहितो पी रहा है और हम लोग भी चिल कर रहे हैं और नूर अपना कुछ कुछ देखे जा रही है और मानसी का फ़ोन तोड़े। मानसी, तुम्हारा फ़ोन नया नया आ जाएगा दोबारा से, है ना? उसको नींद है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पे आके कि वो सो नहीं रही है, गाड़ी में भी नहीं सोई। तो हमारी फ्लाइट जब बोर्ड हो रही थी तब नूर ने पुकू कर दिया, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए। फाइनली हम ये लास्ट बस में बैठे हुए हैं जहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरी खाली है, सिर्फ यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और सारे हम बैठे हुए हैं, हमारी प्रेम कर रही है। So what's up? What are you doing? Eating some KFC. KFC, okay. How is it? I don't think it's nice. He's not liking it. So nice. इसको देख के हमें भूख लग रही है। भूख लग रही है हमें, सच में हमें लग रहा था छोटी सी फ्लाइट है, कुछ मील्स वगैरह हमने बुक नहीं कराई। दोनों बच्चों को फ्लाई की भूख लग रही है, केएफसी लवर सी मांग रही है, वेजिटेरियन खाया था ना, बट लाइक दाल। लैंडिंग के लिए रेडी हो गए हैं कबू, आर यू रेडी फॉर लैंडिंग? और कबू को हम लैंडिंग के टाइम पे दे देते हैं लॉलीपॉप ताकि उसके कान बंद ना हो एंड ही इज वेरी हैप्पी। फ्लाइट थी 1 घंटे की, हमने लैंड कर लिया एंड हम अभी भी बता नहीं सकते कि हम कहाँ आए हैं। पीछे बोर्ड में लिखा है, सामने बोर्ड में लिखा है, मानो जो पढ़ सकता है वो तो देख ही लेगा। अरे यार, हमारा एयरपोर्ट पिकअप आ चुका है, भैया बाहर ही खड़े थे गेट के एयरपोर्ट के और ये लोग आ रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ से, मेरे ख्याल से 50 मिनट या 1 घंटे की ड्राइव में हमारा। तो गाइज मेरे ख्याल से काफ़ी लोग एयरपोर्ट पहचान गए होंगे या फिर बोर्ड वगैरह देख लिया होगा अंदर। हम लोग उदयपुर आए हैं और टोटल फ्लाइट टाइम जो था वो 1 घंटे का था, इनफैक्ट उससे भी कम था। कितना मिनट बोला था? 50 मिनट बोला था ना। सो दिल्ली टू उदयपुर इज़ अ 55 मिनट फ्लाइट, पूरा लैंड वैंड करते 1 घंटा 20 मिनट हो जाता है। कबीर, आर यू टायर्ड नाउ? यस। ओके, यस। सो कबीर खा खा के टायर्ड हो गया, इनफैक्ट वो बोल रहा था कि वो उसको पूपू जाना है, बट किसी तरह रोक रहे हो तुम। हाँ,
गाइस एक घंटे की हमारी फ्लाइट थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी, कन्वीनियंट थी, बिल्कुल पता ही नहीं चला। अगर नूर सोरी होती तो और ज्यादा जल्दी निकल जाता, बट नूर एक मिनट के लिए भी नहीं सोई, तो वो मानसी के पास थी मोस्ट ऑफ द टाइम। एयरपोर्ट इज नाइस, इट्स अ स्मॉल एयरपोर्ट, और फटाफट मतलब फ्लाइट जो है वो डीबोर्ड हुआ और वो सेम फ्लाइट वापस जा रही थी दिल्ली। हम लोगों ने बैगेज क्लेम किया, मेरे ख्याल से हमारा बैग तो बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, दो मिनट के अंदर अंदर आ गया। और अब हम लोग होटल की कैब में बैठ गए हैं, यहाँ से 40 to 45 minutes में हमारा होटल है, जो सिटी मतलब मेन जो लेक है उदयपुर का, उस लेक के एडजेसेंट है। तो हमारे होटल के रास्ते में काफ़ी सारे होटल्स देखे, ये भी एक होटल है, जयसिंह लिखा हुआ था, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। चुंडा पैलेस, ये कौन सा है? चुंडा पैलेस राइट साइड, ये है चुंडा पैलेस होटल। तो लास्ट 20 मिनट में मैंने कम से कम 10-12 होटल देखे होंगे हमारे, और भी ज़्यादा है सर, और ज़्यादा है, कम से कम 70-80 होटल होंगे। अच्छा, ट्राइडेंट उदयपुर एंड अभी ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं, सब लोग थक गए हैं, सो जस्ट अबाउट टू चेक इन अनदर 5 मिनट्स एंड वी हैव अ वेलकम ड्रिंक्स आल्सो। तो गाइज हमारा चेक इन हो गया है और सबसे पहले बच्चों को सेटल करते हैं, नूर की दवाई का टाइम हो गया है, उसको दूध पिलाना है और कबीर को भी चेंज करना है। तो सब कुछ करने के बाद हम आप लोगों के साथ बात करते हैं, मानसी अगर फ्री हो जाती है बच्चों से तो हम दोनों बात करेंगे, वरना मैं आपसे बात करूंगा। तो सब चेंज कर चुके हैं, कबीर और नूर नाइट सूट में आ चुके हैं, मानसी बेचारी वेट कर रही है कि भाई कब नूर सो जाए, क्योंकि नूर ना थोड़ी सी अभी क्रैंकी हो रखी है और उसको हाँ मस्ती देखो, मुझे नहीं, बट जब नींद आएगी या फिर जब तुम चले जाओगे फिर वो रोने लग जाती है ना। हाँ, वो तो है बिल्कुल, अभी एक्चुअली भैया के साथ मस्ती कर रही हूँ। हाँ, उसको भैया के साथ मस्ती हो रहा है और यही पूरा आइडिया है यार इस वेकेशन का, कि बच्चों का आपस में सबके साथ टाइम मिल जाए। तुम ऐसे प्यार करते हो? बहुत प्यार करती है। कितना प्यार करता है तू? कितना प्यार करता है? कबीर तो नहीं करता प्यार, कबीर देखो चला गया, कबीर हमसे प्यार, जैसे ही मैं आया ना कबीर चला गया हमें छोड़ के। अगर वो प्यार करता तो वो 3 सेकंड से पहले यहाँ पहुँच जाएगा। नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। कबीर आ गया, आ गया कबीर। क्या खा रहे हो तुम? इन दोनों को देखो, उसने तो बम से मार दिया अपने। चलते कभी सबसे ज्यादा मारता है नूर को ना, कभी उठ के कभी गिरा देगा, कभी कुछ कर देगा, बट बहुत प्यार करता है कभी। एक्चुअली उसको ना उस पे गजिची आती है, उसको गजिची इज व्हाट ना, नोबडी एल्स विल अंडरस्टैंड गजिची। गजिची का पंजाबियों में बोलते हैं, ये गजिची का मतलब इतना तो प्यार बहुत आता है ज्यादा, मतलब मसल के खा जाओ बिल्कुल। तो उसको ऐसा प्यार आता है, वो आता है उससे प्यार करने और वो भाग जाती है बिल्कुल, क्योंकि उसको डर के आना है ऐसा प्यार, उसको पता है कि ये प्यार जो है वो दर्द देगा। फिर वो उसे पकड़ के ऐसे ऐसे ठक 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 करती है, देखो देखो खुद ही गई है प्यार करने, देखो तुम भैया को कैसे प्यार कर रहे हो इतने अच्छे से। भैया आता है तो तुम क्यों भागते हो भाई? देखो देखो, ये देखो। पकड़ माय गॉड, मानू व्हाट इज हैपनिंग। सो होटल में आके सबसे हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है कि सबसे पहले कपड़े निकाल के मैं अलमारी में रख देता हूँ, वो मैं कर चुका हूँ। उसके बाद बच्चों को चेंज कर देते हैं ताकि वो रिलैक्स फील करें, और उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक करके खाना मंगाते हैं। तो अभी मैंने कबीर के लिए मंगा दिया है पास्ता, और मेरे और मानसी के लिए मैंने मंगा लिया है एक हल्का सा स्नैक, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लग रही है अभी। अरे यार, नूर सो चुकी है और रात को हम सोने जाने से पहले सिर्फ एक उनो गेम खेल के ही सो के जा सकते हैं, क्योंकि कबीर ने सबसे पहले हमसे प्रॉमिस लिया था कि उनो गेम खेलना है हमें। उनो के बाद ही वो सोएगा, वो उनो का चैंपियन हो गया, ही इज अ उनो चैंपियन बिल्कुल। थोड़ी चीटिंग करता है वो, बट नहीं तो करता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। एंड गाइस, आज हमने रात को भी कुछ भी नहीं किया, 8 बजे हम पहुंचे, हमने चेक इन करा और उसके बाद सिर्फ चिल करा है, बिकॉज सब लोग बहुत ही ज्यादा थक गए हैं और नूर के साथ हमें बिल्कुल लाइट रखना है।
तो अच्छा लग रहा है चिल करके, बिकॉज हम काफी थक गए थे। तो आज हम सोएंगे और कल और परसों में जो भी दो दिन में हम चीज थोड़ा बहुत कवर कर पाएंगे, वो भी कम, नूर के साथ जितना कर सकते हैं उतना वो हम अब करेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे। तो जरूर देखिएगा, ये जो होटल है ये एक्चुअल में लेक पिचोला पे है, जो यहाँ की मेन लेक है। आपको पता होगा उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। तो अच्छा व्यू होगा सुबह, हम बहुत एक्साइटेड है बाहर निकल के वॉक लेने के लिए। सो लेट्स सी टुमारो मॉर्निंग क्या होने वाला है। यहाँ पे कबीर अपना कार्स डिस्ट्रीब्यूट करना सीख चुका है वो, तो कार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे लेते हैं। Who's gonna win? Okay, I think me. You think? I think कबीर will win. Okay. ये देखो कार्ड कैसे दे रहा है, मुझे फेंक के दे रहा है बंदा। If he wins, then you and I will kiss him. Okay. If I win, then he will kiss me. If I win? Yeah.